उत्तर प्रदेश में ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। चार राज्यों में सरकार बन चुकी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करते हुए परचम लहरा दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद से एक बार फिर ईवीएम सुर्खियों में आ चुका है। ईवीएम को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में वोटों की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की परफॉर्मेंस की जांच होनी चाहिए और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकजुट होने की भी अपील की। ममता ने कहा कि ईवीएम की लूट हुई है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जाँच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि अब पॉपुलर मैंडेट नहीं है बल्कि मशीनरी का मैंडेट है। भाजपा पर तंज कसते हुए ममता ने कहा कि उन्हें जीत के बाद उदार होना चाहिए लेकिन वे आक्रामक हो गए हैं, अभी से डुगडुगी बजाने लगे हैं। कौन जानता है कि 2024 में क्या हो गया, भाग्य भाग्य होता है। भाजपा ने अभी से ही बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। बंगाल में लगातार उसका विरोध हो रहा है, हारने के बाद से ही उसे शर्म आनी चाहिए थी लेकिन वो आ नहीं रही है। ममता ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक न हो, सकारात्मक रहें। यह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे, ये गलत है। ममता ने कहा कि गोवा में पार्टी की शुरुआत के 3 महीने के भीतर तृणमूल कांग्रेस को 6% वोट मिले यह काफ़ी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं उन्हें एक साथ मिलना चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें 2029 के बारे में सोचना चाहिए। 2024 के चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं, फिर एक बार मोदी सरकार इस बार 400 के पार आने वाली है। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।